हमारी जो प्रमुख मांग है, गहलोत सरकार ने अभी घोषणा की, बजट घोषणा में ठेका प्रथा को ख़त्म कर दिया, लेकिन हम व्यावसायिक शिक्षक आज भी ठेका प्रथा पे ही लगे हुए हैं। 6 महीने से लेके 1 साल तक हमारी सैलरी आती ही नहीं है। हर बार हमें सैलरी के लिए संघर्ष करना पड़ता है, तो वो 1 महीने की सैलरी देते हैं। हर बार ये समस्या है, ठेका प्रथा ख़त्म नहीं हुई है, कंपनियाँ हमारा शोषण कर रही है, हमारे साथ विभाग भी शोषण कर रहा है, कंपनियां भी शोषण कर रही है, स्कूल में भी शोषण हो रहा है। एक शिक्षक का दर्जा हमें आज तक नहीं मिला है। तो गहलोत सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि हम पे भी थोड़ा ध्यान दिया जाए, हमें भी एक शिक्षक का सम्मान दिया जाए। और जो आपने घोषणा की है कि ठेका प्रथा आप ख़त्म करेंगे, तो उसे धरातल पर लागू कीजिए गहलोत जी, क्योंकि ठेका प्रथा अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। और हम चाहते हैं गहलोत जी से, हमारी प्रमुख मांग है, जैसे हरियाणा सरकार ने हम सभी को कौशल विभाग में नियमित किया है, उस प्रकार राजस्थान सरकार भी अगर हमें कौशल विभाग में नियमित कर दें तो उनकी बहुत बहुत कृपा होगी। गहलोत सरकार से हमारी यही अपील है कि हम पे ध्यान दें और हमें शोषण से मुक्ति दिलाएं। आगे की रणनीति फिर यही है कि हम इसी तरह से गहलोत सरकार के बार बार उनसे आग्रह करते रहेंगे, और अगर फिर भी हमारे पे ध्यान नहीं दिया जाता है तो हम फिर अगले चुनावों में सोचेंगे, हम उन्हीं को समर्थन देंगे जो हमें समर्थन देंगे, जो हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे। मेरा नाम मनीषा, मैं व्यावसायिक प्रशिक्षक संघ की महिला अध्यक्ष हूँ। राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम के प्रदेश संरक्षक भाई साहब सियाराम जी के नेतृत्व में आज हजारों की तादाद में व्यावसायिक प्रशिक्षकों ने धरना दे रखा है। इसमें इनकी 7 सूत्री मांग है, जिसमें इन्होंने सबसे पहले मांगे इनका बकाया वेतन चल रहा है, इनको शिक्षा विभाग में शिक्षकों की तरह दर्जा मिलना चाहिए, इनकी जो महिलाएं शिक्षिका बेचारी उनको मातृत्व अवकाश मिलना चाहिए। ऐसी 7 मांगे हैं जिनके ऊपर यहाँ धरना दिया जा रहा है। आज विधानसभा घेराव किया जाएगा, बहुत हजारों की तादाद में या संख्या में है। अगर आज सरकार नहीं मानती है तो आगे आमरण अनशन पर बैठेंगे, आगे बहुत सारी कार्रवाई, भूख हड़ताल करेंगे। तो आज राजस्थान सरकार को मान जाना चाहिए, इनको शिक्षा विभाग में मर्ज करना चाहिए, इनके ठेका प्रथा बंद करना चाहिए, सीधे शिक्षा विभाग में इनको मर्ज करना चाहिए, हरियाणा मॉडल लागू करना चाहिए, और जो इनका बकाया वेतन है वो दिया जाना चाहिए, और जो बेचारी महिलाएं हैं इनको उसी तरह शिक्षा विभाग में जो महिला मातृत्व अवकाश मिलता है वो इनको मिलना चाहिए। ये सारी 7 मांगे हैं जो इनको दिलानी चाहिए। ये राजस्थान सरकार को ये करना चाहिए। सर, चुनाव नज़दीक है, अगर रिपीट होना है तो ये इनको मांग करना चाहिए। मैं प्रदेश प्रवक्ता राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम।